सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आईपीएल 2022 नीलामी से पहले इन सभी 10 खिलाड़ियों को सभी टीमों द्वारा अप्रोच कर लिया गया है, कॉन्टेक्ट कर लिया गया है कि वे आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले प्री पिक में अपनी टीम में शामिल कर लेंगे या फिर मेगा ऑक्शन में इन पर तगड़ी बोली लगाकर अपने टीम में शामिल करेंगी। तो इस वीडियो में जो हम 10 खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं, ये 10 खिलाड़ी सबसे महंगे बिकने वाले हैं, 12 करोड़, 15 करोड़ और 20 करोड़ के महंगे रकम में बिकने वाले। तो बात करते हैं आईपीएल 2022 के बारे में। तो इस बार 10 टीम पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। लखनऊ और अहमदाबाद इन दोनों टीमों के आने से आईपीएल का रोमांच और ज्यादा बढ़ चुका है, जहां आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। सभी टीमों ने अपने मेन मेन खिलाड़ी को दोबारा अपनी टीम में शामिल कर लिया है रिटेन करके, बाकी बचे हुए खिलाड़ी रिलीज हो चुके हैं, वे सभी जाएंगे मेगा ऑक्शन में। लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ और अहमदाबाद इन दो टीमों के पास मौका होगा पिक करने का, तीन तीन खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने का नीलामी से पहले। तो मेगा ऑक्शन से पहले प्री पिक में लखनऊ और अहमदाबाद की टीम अपने पहले और दूसरे खिलाड़ी पर पैसों की बारिश करने वाली, उन्हें काफी ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन तीसरे खिलाड़ी को उसके मुकाबले थोड़े कम पैसे मिलेंगे और बाकी बचेंगे जो भी खिलाड़ी वो जाएंगे मेगा ऑक्शन में, और मेगा ऑक्शन में सभी खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आईपीएल 2022 के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स के बारे में, जो बिकेंगे काफी ज्यादा महंगे में। तो बात करते हैं पहले खिलाड़ी के बारे में, तो वो है केएल राहुल। दोस्तों केएल राहुल का नाम कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इस खिलाड़ी को ना सिर्फ लखनऊ की टीम बल्कि कई सारी फ्रेंचाइजियों ने कॉन्टेक्ट किया था, अप्रोच किया था अपनी टीम में शामिल करने के लिए। फिलहाल जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ की टीम ने कंफर्म कर दिया कि वो 18 से 20 करोड़ की तगड़ी रकम देने जा रहे हैं। तो केएल राहुल काफी महंगे में बिकने वाले हैं, जहां केएल राहुल ने खुद ही मना कर दिया था पंजाब किंग्स की टीम को कि उन्हें रिटेन ना करें, क्योंकि वो दूसरी फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलना चाहते। बात करें दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो गाइस दूसरे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर माने जाते हैं। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की टीम ने रिलीज कर दिया था, बाहर कर दिया था। रिलीज करने के बाद मुंबई इंडियंस और कप्तान रोहित शर्मा का बयान आया था कि वो हार्दिक पांड्या को मेगा ऑक्शन में दोबारा खरीद कर अपने टीम में शामिल करेंगे, उनके पीछे 100% कंफर्म जाएंगे, जितने भी पैसे हार्दिक पांड्या के पीछे लगेंगे वो लगाएंगे। लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या प्री पिक भी हो सकते हैं लखनऊ और अहमदाबाद की टीम में, लेकिन अगर प्री पिक नहीं होते हैं, अगर मेगा ऑक्शन में गए, तो फिर ना सिर्फ मुंबई इंडियंस की टीम बल्कि आईपीएल की सभी 10 टीम इनके पीछे जाएगी और काफी तगड़ी तगड़ी बोली लगाएगी। तो हार्दिक पांड्या काफी महंगे बिकने वाले। अब बात करें तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो गाइस तीसरे खिलाड़ी हैं राशिद खान। जी हां, करामत खान अफगानिस्तान के जबरदस्त स्पिनर, जो ना सिर्फ स्पिन बॉलिंग बल्कि लोअर ऑर्डर में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। राशिद खान फिलहाल वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर माने जाते हैं। राशिद खान के पीछे आईपीएल की सभी 10 टीम 100% कंफर्म है कि इनके पीछे जाने वाली है, और राशिद खान को अहमदाबाद, लखनऊ दोनों ही टीम ने कॉन्टेक्ट किया था। इसके अलावा पुरानी टीम भी राशिद खान को अप्रोच कर चुकी है, तो राशिद खान का भी नाम कंफर्म हो चुका है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में, जो काफी महंगे बिकने वाले हैं। अब के लिए बात करते हैं चौथे खिलाड़ी के बारे में, तो वो है श्रेयस अय्यर। दोस्तों श्रेयस अय्यर इस बार आईपीएल 2022 में काफी महंगे में बिकने वाले, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने श्रेयस अय्यर को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था, बाहर कर दिया था। अब ऐसे में श्रेयस अय्यर काफी शानदार जबरदस्त युवा बल्लेबाज है, साथ ही युवा कप्तानी विकल्प है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए इस खिलाड़ी के पीछे कई सारी टीमें और कई सारी टीमों ने ऑलरेडी श्रेयस अय्यर को अप्रोच कर लिया है। बात करें पांचवें खिलाड़ी के बारे में, तो वो है बेन स्टोक। दोस्तों बेन स्टोक भी काफी तगड़े, काफी महंगे में बिकने वाले इस बार आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में या फिर उससे पहले प्री पिक में, जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बेन स्टोक को रिलीज कर दिया था मेगा ऑक्शन से पहले। अब बेन स्टोक एक विदेशी ऑलराउंडर है, और आईपीएल में ऑलराउंडर्स की काफी डिमांड होती है और ऑलराउंडर्स काफी कम ही मिलते हैं इस टाइप के, इस कारण बेन स्टोक काफी महंगे बिकने वाले। अब चलिए बात करते हैं छठे खिलाड़ी के बारे में, तो वो है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर को मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिलीज कर दिया था, बाहर कर दिया था। अब ऐसे में जोफ्रा आर्चर ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के बल्कि T20 और ODI फॉर्मेट में भी काफी खतरनाक जबरदस्त गेंदबाजी कराते हैं, वन ऑफ द बेस्ट तेज गेंदबाज माने जाते हैं। अब ऐसे में जोफ्रा आर्चर के पीछे आईपीएल की सभी 10 टीमें सभी अपनी टीम में खरीद कर शामिल करना चाहती हैं। अब जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज आपको जल्द कहां मिलता है, इस वजह से इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये काफी महंगे बिकने वाले हैं। अब अगर हम बात करें सातवें खिलाड़ी के बारे में, तो वो है ईशान
किशन। दोस्तों ईशान किशन को मुंबई इंडियंस की टीम ने रिलीज कर दिया था। अब ऐसे में ईशान किशन ना सिर्फ टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी बल्कि मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये काफी शानदार विकेट कीपिंग भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एक युवा खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी है, इस वजह से ईशान किशन काफी महंगे में बिकने वाले हैं, खासतौर पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। और ईशान किशन को भी आईपीएल की कई सारी टीमों ने अप्रोच किया है मेगा ऑक्शन से पहले। अब ऐसे में ईशान किशन का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट में। अब अगर हम बात करें आठवें खिलाड़ी के बारे में तो गाइस वो है डेविड वार्नर। दोस्तों डेविड वार्नर ने बीते T20 वर्ल्ड कप 2021 में काफी शानदार जबरदस्त प्रदर्शन किया था और इसी कारण डेविड वार्नर आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में काफी महंगे बिकने वाले हैं। इनके शानदार प्रदर्शन की वजह से इन्हें इसका फल मिलने वाला, जहां डेविड वार्नर पहले ही एसआरएस की टीम को मना कर चुके थे कि उन्हें रिटेन न किया जाए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एसआरएस की टीम ने डेविड वार्नर को रिटेन नहीं किया। अब ऐसे में डेविड वार्नर के पीछे कई सारी टीम जाने वाली है और कई सारी टीमों ने ऑलरेडी इन्हें अप्रोच भी कर लिया है। अब डेविड वार्नर ना सिर्फ ओपनिंग बल्लेबाजी बल्कि लीडरशिप का भी एक बढ़िया विकल्प देते हैं। अब के लिए बात करते हैं नवे खिलाड़ी के बारे में तो वह है ट्रेंट बोल्ट। दोस्तों आईपीएल में तेज गेंदबाजों की डिमांड काफी ज्यादा होती है क्योंकि सभी टीम चाहती है कि उनके गेंदबाज बढ़िया प्रदर्शन करें, कम से कम स्कोर में सामने वाले टीम को समेट दें और यही वजह है कि इस बार भी गेंदबाजों की काफी डिमांड होने वाली और गेंदबाज काफी महंगे बिकने वाले। इस लिस्ट में नाम ट्रेंट बोल्ट का है, जी हां, जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था। अब ऐसे में ट्रेंट बोल्ट भी काफी ज्यादा महंगे में बिकने वाले, करोड़ों की बारिश इन पर भी होने वाली है। बात करें दसवें खिलाड़ी के बारे में तो दसवें नंबर पर दो खिलाड़ी के नाम आ रहे हैं, एक शुभमन गिल जो कि एक युवा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सभी टीम इनके पीछे जाने वाली है। दूसरे हैं शिखर धवन जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी को देखकर सभी टीम इनके पीछे जाने वाली है। अब ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीम से रिलीज कर दिए गए थे और ये दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल 2022 में धमाल मचाने वाले हैं क्योंकि इन पर भी पैसों की बारिश होने वाली है। तो गाइस सीधा आईपीएल 2022 में 10 खिलाड़ी जो बिकने वाले हैं काफी महंगे में, टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स प्रोबेबली। याद रहे कि इन सभी 10 खिलाड़ी को कई सारे फ्रेंचाइजी ने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है, कॉन्टेक्ट कर लिया कि इन्हें खरीद कर अपनी टीम में शामिल करने वाली है। तो ये 10 खिलाड़ी 100% कंफर्म है कि बिकेंगे और काफी महंगे में बिकने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भी फटाफट ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर लगातार वर्ल्ड में सबसे फास्ट क्रिकेट की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जबकि आप इंस्टा फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं।